थर्ड पार्टी पोर्टल लेंगे तो आप पैन कार्ड की सारे काम कर सकते हो, जैसे न्यू पैन कार्ड करेक्शन, माइनर पैन कार्ड, कोई ग्रुप का पैन कार्ड, कोई कंपनी का पैन कार्ड, कोई ट्रस्ट का पैन कार्ड, NSDL ब्रांच आईडी का जो मोबाइल ऐप है उससे अगर पैन कार्ड बनाएंगे तो आपको कई बार भी डॉक्यूमेंट भेजने का जरूरत नहीं है और आपको 1 से 2 घंटे में ई पैन कार्ड भी मिल जाएगा। दोस्तों, मार्केट में NSDL का बहुत सारे आईडी होता है, जैसे थर्ड पार्टी पोर्टल का आईडी, रिटेलर का आईडी, ब्रांच आईडी, तो इन सारे आईडियो में बहुत सारे डिफरेंस होता है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, किसमें क्या फ़ायदा है, किसमें क्या फ़ायदा नहीं है, सारे कुछ डिटेल्स के साथ बात करने वाला हूँ। आपको अगर जानना है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं NSDL थर्ड पार्टी पोर्टल। तो थर्ड पार्टी पोर्टल क्या है? थर्ड पार्टी पोर्टल है भाई, जैसे मैं मेरा अपना एक वेबसाइट बनाता हूँ जहाँ पर पैन कार्ड की सर्विस में प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, तो वही होता है थर्ड पार्टी पोर्टल। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रही है, कैसे कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग फर्स्ट पार्टी पोर्टल लेते हैं, फिर एक थर्ड पार्टी पोर्टल बनाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग थर्ड पार्टी में काम करते हो उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप थर्ड पार्टी पोर्टल में काम करते हो, काम कैसा होता है? आप पोर्टल में अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको कुछ देर बाद या नेक्स्ट डे अकाउंट एनाउंसमेंट एक स्लिप मिलते हैं। आप ध्यान से देखना, उस अकाउंट एनाउंसमेंट स्लिप में जो भाई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ब्रांच कोड होगा और एड्रेस होगा। तो वो भाई फर्स्ट पार्टी पोर्टल लेकर अर्थात NSDL ब्रांच आईडी लेकर थर्ड पार्टी पोर्टल बनाया है जिस पर आप काम कर रहे हो। आप अप्लाई करते हो, फिर वो फर्स्ट पार्टी पोर्टल से पैन कार्ड की अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको अकाउंट एनाउंसमेंट स्लिप प्रोवाइड करते हैं। फिर 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन बाद आपको ई पैन कार्ड भी मिलते हैं ईमेल के थ्रू। तो ऐसे कुछ सिस्टम होता है और इस पोर्टल से आप करेक्शन भी कर पाते हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम रिजेक्ट कर देते हैं। यही सारे समस्या थर्ड पार्टी पोर्टल में रहते हैं और थर्ड पार्टी पोर्टल का कोई गारंटी नहीं होता है। अभी मैं बताऊँगा NSDL एजेंट आईडी। आप लोगों को पता ही होंगे, जैसे पेनियर बाई, RNFI और पे पॉइंट, ऐसे बहुत सारे कंपनी है NSDL का रिटेलर आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो रिटेलर आईडी के मदद से आप OTP और फिंगरप्रिंट के माध्यम से तो कर सकते हो, लेकिन आपको वेबसाइट से करना होगा और सिर्फ न्यू पैन कार्ड बना सकते हो, दूसरे पैन कार्ड की काम आप नहीं कर सकते हो। तो भाई इसमें यही कुछ है और ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। अभी मैं बताऊँगा NSDL ब्रांच आईडी। NSDL ब्रांच आईडी का मतलब है NSDL ऑफिशियल आईडी, डायरेक्ट आईडी। तो इस आईडी के मदद से आप NSDL का जो डायरेक्ट पोर्टल है, वेब पोर्टल है, उसका नेम है लॉगिन मैनेजर और जो मोबाइल ऐप है उसका नेम है NSDL पाम। आप अभी गूगल में या प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो ऐप कौन डेवलप किया, तो आपको मालूम चल जाएगा। फर्स्ट पार्टी पोर्टल लेंगे तो आप पैन कार्ड की सारे काम कर सकते हो, जैसे न्यू पैन कार्ड करेक्शन, माइनर पैन कार्ड, कोई ग्रुप का पैन कार्ड, कोई कंपनी का पैन कार्ड, कोई ट्रस्ट का पैन कार्ड, सारे पैन कार्ड की आप काम कर सकते हो। और NSDL ब्रांच आईडी का जो मोबाइल ऐप है उससे अगर पैन कार्ड बनाएंगे तो आपको कई बार भी डॉक्यूमेंट भेजने का जरूरत नहीं है और आपको 1 से 2 घंटे में ई पैन कार्ड भी मिल जाएगा। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, NSDL ब्रांच आईडी लेने के बाद NSDL ऑफिशियल साइट में आपका सेंटर का नेम शो कराएगा। तो भाई इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे पोर्टल में पैन कार्ड बनाते हैं, लेकिन जब तक आप NSDL ब्रांच आईडी नहीं लेंगे तब तक पैन कार्ड की काम करके आप ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते हो, क्योंकि पैन कार्ड की अगर काम करना है तो आपको NSDL ब्रांच आईडी में ही काम करना है। जब काम करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा भाई कितना फ़ायदा आपको मिल रही है। बाकी सारे पोर्टल में उतना ज़्यादा कमीशन भी नहीं मिलता है या कमीशन नहीं भी मिलता है, तो भाई NSDL ब्रांच आईडी में आपको कमीशन मिलेगा। जो कमीशन मिलेगा वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलेगा, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, डायरेक्ट आपका लिंक होगा और आप आसानी से काम भी कर पाएंगे। तो आपको अगर NSDL ब्रांच आईडी चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो,
मैं आपको आसानी से जेन्युइनली NSDL पाम ब्रांच ID प्रोवाइड कर दूंगा।